अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के टैगोर एकेडमी स्कूल प्रबंधन पर कक्षा 2 की छात्रा हर्षिता चंद्रा के परिजनों ने मधुमक्खी के डंक को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाते हुए साक्षी थाने में FIR दर्ज कराया है। इसकी जानकारी देते हुए छात्रा के घर वालों ने बताया कि उनकी पुत्री हर्षिता चंद्रा टैगोर एकेडमी के कक्षा 2 की छात्रा है। बीते 31 मार्च को स्कूल में क्लास के दौरान बच्ची के यूनिफॉर्म के भीतर मधुमक्खी घुस गया और उसे डंक मारना शुरू कर दिया। उसकी बच्ची ने जब इसकी शिकायत क्लास टीचर से की तो क्लास टीचर ने बहाना ना बनाने की बात कहते हुए मामले को गंभीरता से लेने के बजाय उल्टा उनकी पुत्री को फटकार लगा दी। इस दौरान मधुमक्खी ने शरीर के कई भागों में डंक मारा जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। घर पहुंचने पर छात्रा बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाने पर पता चला कि मधुमक्खी के डंक से उसे इन्फेक्शन हो गया है। फिर टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अभी उनकी बेटी अस्वस्थ है। उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार शिक्षक एवं विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए साक्षी थाना में आए हुए थे। हर्षिता अभी भी स्वस्थ नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि जहां जहां मधुमक्खी काटी है वहां जहर का जमा हो गया है, उसे पूरी तरह ग्राउटिंग करके आपको निकालना होगा। इसका इलाज जमशेदपुर में संभव नहीं है, इसका इलाज CMC अथवा कलकत्ता के किसी नामचीन अस्पताल में होगा। अब हर्षिता के पिताजी जो मेरे बगल में खड़े हैं, ये चिंतित है कि हम पैसा कहां जुटाएं और बच्ची को कैसे बचाएं। हम लोग तो ईश्वर के ऊपर सब छोड़ दिए हैं। हम लोग आपके माध्यम से मांग करते हैं, यहाँ के उपायुक्त महोदया से भी, कि जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधक निदेशक है, उसे गिरफ्तार करे, स्कूल में शोकच करे, DLC के नेतृत्व में वहाँ आप जांच कमेटी बनाइए और इस बच्ची की जान कैसे बचे इसकी भी आप गारंटी लीजिए। वैसे इस मामले में स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने कहा कि अभी तक बच्चे के अभिभावक के द्वारा उनके पास इस मामले में ना तो मुलाकात की गई और ना ही कोई शिकायत दी गई है। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी का छत्ता उनके स्कूल में नहीं बल्कि बगल के बिल्डिंग में है, जहां से कभी कभी कुछ मधुमक्खियां उड़कर आती है और उन्हें धुआं वगैरह के माध्यम से रोकने का प्रयास भी स्कूल प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन पूर्ण रूप से पीड़ित बच्ची का साथ देंगे। लेकिन फोन में बात करने के बाद तो लेकिन जब एक घटना हुआ, ना पेरेंट्स मेरे पास आए ना कुछ, जो हुआ क्लास टीचर के साथ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुआ। उन्होंने बात बोले है हम, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो किए हैं, बच्चे लोग से पूछे, दूसरा टीचर को से पूछे, क्योंकि एक बोल रहे घटना जब हुआ इंग्लिश स्पेलिंग एंड डिक्टेशन पीरियड, वो फिफ्थ पीरियड है, तो फिफ्थ पीरियड से एट पीरियड तक एक टीचर ने 3-4 टीचर पीरियड चेंज हुआ क्लास में गए, तो वो उसका अंदर कोई भी टीचर का पास बच्चा ना शिकायत किए है, ना कोई रोए, ना कुछ भी, तब हम लोग तुरंत उसको फर्स्ट एड देते, लेकिन हम लोग का पास कोई खबर नहीं आए। वो देखिए, वो मेरे स्कूल में पढ़ रहा है तो मेरा ही बच्चा है, तो हम देखिए, हम बच्चे को कुछ भी होगा तो हम उसके लिए तो जरूर कुछ करेंगे। पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला प्रशासन की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। गोलमोरी सह जुगसलाई प्रखंड के अंतर्गत होने वाले चौथे चरण के चुनाव को लेकर प्रखंड कार्यालय स्थित परिसर में ग्राम पंचायत सदस्य के ARO मुखिया पद के ARO सभी थाना प्रभारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का नेतृत्व प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार कर रहे थे, जहाँ उनके साथ अंचल अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान बैठक के बाद सभी ARO को मुख्य रूप से प्रशिक्षण भी दिया गया कि नॉमिनेशन से लेकर मतगणना तक उन्हें किस प्रकार से कार्य को करना है। वहीं जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, विधि व्यवस्था बनी रहे, इसे लेकर बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ग्राम पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चौथे चरण के में हम लोगों का चुनाव है गोलगोरी सहयोग सिलाई प्रखंड में। इसको लेके हम लोगों ने यहाँ पे ग्राम पंचायत सदस्य के जितने भी ARO हैं और मुखिया पद के जितने भी ARO हैं और प्रखंड क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी, जो 7 थाना है हमारे अंतर्गत में, उन सबकी एक बैठक बुलाई, जिसमें कि विधि व्यवस्था और आदर्श आचार संहिता को लागू करने के संबंध में उनको बताया गया और सभी ARO की अभी ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें नॉमिनेशन से लेकर मतगणना तक की सभी जानकारी इनको दी जा रही है।
जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी के मनमाने तरीके से बहाली लिए जाने के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा ने उप श्रमायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन किया, साथ ही इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने कहा कि विगत लगभग 20 वर्षों से ऊपर समय से कंपनी में आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से जो भी बहाली ली जाती है उसमें हमेशा केवल एक ही आउटसोर्सिंग कंपनी से ही ली जाती है, जबकि नाम के लिए यहां परीक्षा और इंटरव्यू भी लिया जाता है। इन्होंने कहा कि कंपनी के अधिकारी भ्रष्टाचार कर इस कार्य को अंजाम देते हैं, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो भाजपा कंपनी गेट पर तालाबंदी कर देगी। देखिए, आज हम लोग यहाँ अपने बारेडी मंडल भारतीय जनता युवा मोर्चा के उर्जवान मंडल अध्यक्ष कंचन दत्ता जी के नेतृत्व में उप श्रम आयुक्त महोदय को एक ज्ञापन देने आए थे। हम लोगों ने उनके बिहाफ में श्रम आयुक्त जी को एक ज्ञापन दिए और ज्ञापन के माध्यम से टीएसपीडीएल कंपनी में जो है जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें जो भी अभिभार्थी भाग लेते हैं उसमें केवल एक ही एजेंसी के लोगों को नियुक्ति किए जा रहा है विगत 25 वर्षों से। उसी के खिलाफ जांच की मांग को लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए थे और अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय जनता युवा मोर्चा टीएसपीडीएल कंपनी के गेट में तालाबंदी करने का काम भी करेगा। हम लोग उससे भी पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। उसी को लेकर हम लोग आज ज्ञापन देने आए थे। स्टील निबंधित श्रमिक पुत्रों ने प्रबंधन और यूनियन के खिलाफ मंगलवार को यूनियन कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इन्होंने बीते 8 मार्च को निबंधित श्रमिक पुत्रों के लिए हुए बहाली प्रक्रिया को रद्द करते हुए वरीयता के आधार पर निबंधित श्रमिक पुत्रों को बहाल किए जाने की मांग की, साथ ही चेतावनी दी है कि अगर प्रबंधन और यूनियन उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लेते दिखी तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए निबंधित श्रमिक यूनियन के मोहन पांडे ने बताया कि यूनियन और प्रबंधन के मिलीभगत से बहाली प्रक्रिया में धांधली हुई है, जिसे रद्द नहीं किया गया तो हजारों निबंधित श्रमिक पुत्रों का भविष्य अंधकार में लटक जाएगा। हालांकि टाटा प्रबंधन ने बहाली में गड़बड़ी करने वाले 8 कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है जो आज सलाखों के पीछे है। हम लोग कंटिन्यू जब से आपका रिजल्ट निकला है उसके दूसरे दिन क्योंकि संडे था हम लोग यहाँ सोमवार से आ रहे हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और टाटा वर्कर्स यूनियन और टाटा स्टील मैनेजमेंट अपने दोनों कानों को और सबसे बड़ी बात है अपने जुबान को बंद कर दिया। आज टाटा स्टील में इतना भ्रष्टाचार हुआ जो सबके सामने कोई छुपा नहीं है कि अब तो प्रश्न पत्र का मामला हो चाहे फर्जी लोगों की बात हो तो बेमानी हो गई है। अब मुख्य बात यह है कि ये एग्जाम दिए थे करीबन 7,000 कैंडिडेट जिसमें मात्र 500 का हुआ है तो टाटा स्टील और टाटा वर्कर्स यूनियन को तो ये 6,500 लोगों के प्रति ना ज़्यादा उदारता दिखानी चाहिए, लेकिन ये केवल 500 लोगों को ही प्रति इतना क्यों लोग जोर कर रहे हैं या फिर एग्जाम को क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं। जमशेदपुर के टाटा जूलॉजिकल पार्क में भीषण गर्मी के मद्देनजर जू प्रबंधन के द्वारा जानवरों को सुरक्षित रखने हेतु व्यापक तैयारियां की गई है, जहां बाड़ों के ऊपर छप्पर बड़े जानवरों के लिए कूलर जैसी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। वैसे हर बार गर्मी के मद्देनजर यह तैयारियां पहले से ही की जाती है, ऐसे में इस बार भी जानवरों को गर्मी की तपिश से बचाने हेतु यहां कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है। यहां पक्षियों तथा बंदरों के बाड़े के ऊपर चटाई लगाई गई है, वहीं मैंड्रिल के खांचे में कूलर लगाया गया है, वहीं शेर और बाघ के बाड़े में भी कूलर लगाया गया है, साथ ही समय समय पर उन्हें नहलाया जा रहा है, साथ ही पीने के लिए इन्हें ठंडा पानी दिया जा रहा है। वहीं गर्मी में उनके बदन में तपिश को कम करने हेतु खान पान में भी बदलाव किए गए हैं। कुल मिलाकर यहां वो तमाम व्यवस्थाएं की गई है जिससे जानवरों को गर्मी के तपिश से बचाया जा सके। देखिए, राख रखाव में एक उपाय होता है, दूसरा खान पान में हम लोग करते हैं। राख रखाव में जैसे चिड़ियाओं का जो एवियरी जिसको केज बोलते हैं उसके ऊपर में ताकि डायरेक्ट सनलाइट नहीं आए उसके लिए हम लोग बांस का जो चटाई होता है उसको लगाते हैं, अभी लग गया हमारा सारे चिड़िया में। उसके साथ साथ हम लोग का जो पुआल होता है जो खड़ छड़ जिसको खड़ बोलते हैं इसको उसको पुआल का भी हम लोग उसमें देते हैं उसका छत में ताकि जो हीट अब्जॉर्प्शन हो जो उसका केज का वो रुक जाए और डायरेक्ट सनलाइट हमारा चिड़िया को नहीं लगे।
उसी तरह से जो बंदरों का जो केज आपने देखे होंगे, जो बंदर का केज में भी हम लोग छप्पड़ लगाए हैं ताकि मैक्सिमम उसको शेड हम लोग छांव दे सकें। और जो डियर का इनक्लोजर है उसका जो फ्लोर है उसमें हम लोग उसको पानी पटा के रखे हैं, भिंगा के रखे हैं। साथ ही साथ कुछ इनक्लोजर में हम लोग स्प्रिंकलर भी लगाए हैं हिरन केज में, मोर केज में। और लायन टाइगर केज में आप देख रहे होंगे कि इस तरह से हम लोग जहाँ उसका ड्रिंकिंग वाटर पॉट है हमारे पीछे जो आप देख रहे होंगे, तो उसमें हम लोगों ने एक छप्पर बना दिए ताकि उसका पानी जो पीने वाला पानी भी गर्म ना हो और जानवर भी जाए तो वहाँ पर उसको ठंडा पानी मिले। करीब 15-16 डिजर्ट कूलर लगाए हैं क्योंकि कुछ एनिमल ऐसा होता है जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको हम लोग बाहर बड़े वाले पिंजरे में नहीं रखते, उसको हम लोग अंदर ले लेते हैं केज में। जमशेदपुर में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा झारखंड राज्य में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ आम बगान मैदान से पैदल यात्रा साक्षी गोलचक्कर तक निकाली गई, जहां नौकरी दिए जाने की मांग उठाई गई। इस दौरान हाथों में बैनर पोस्टर लेकर युवा वर्ग इस यात्रा में शामिल होकर बेरोजगारी दूर करने और नौकरी दिए जाने की मांग की। इन्होंने कहा कि तमाम सरकारी विभागों में पद रिक्त पड़े हैं और जो भी बहाली हो रही है वो नाकाफी है, लगातार राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसे में युवा वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। पदयात्रा के माध्यम से इन्होंने राज्य सरकार से तत्काल प्रभाव से नौकरियों में बहाली किए जाने की मांग की है। आज भारत के क्रांतिकारी युवा संगठन AIDYO की तरफ से, झारखंड राज्य कमेटी की तरफ से बेरोजगारी की समस्याओं को लेकर हम लोग आज एक प्रदर्शन कर रहे हैं जो कि पूर्वी सिंहभूम जिला में उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं। मुख्य रूप से बेरोजगारी के लेकर और उससे जुड़े जो तमाम समस्याएं हैं उसको लेकर आज का हमारा ये प्रदर्शन है। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बागबेड़ा में हिंदू बहुल इलाके में स्थित एक खाली पड़े स्थान जहां पूजा पाठ की जाती है, उक्त स्थान पर कुछ ईसाई समुदाय के लोगों के द्वारा जबरन कब्जा कर उस पर कब्रिस्तान बनाए जाने का विरोध जताते हुए जिले के उपायुक्त से इस पर कार्रवाई की मांग की। विहिप के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान कहा कि बागबेड़ा क्षेत्र के हिंदू बहुल इलाके में रेलवे की खाली जमीन है जिस पर कुछ लोग जबरन प्लॉटिंग कर बेचने की मनसा में थे, लेकिन जब यह मनसा पूरा नहीं हुआ तब उन्होंने वहां कब्रिस्तान बनाने की तैयारी शुरू कर दी, जबकि उक्त स्थान में हिंदू महिलाएं पर्व में पूजा पाठ आदि करती हैं। इस संबंध में विहिप एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बागबेड़ा थाने में लिखित आवेदन दिया था, लेकिन थाना प्रभारी ने उल्टे विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर ही झूठा मामला दर्ज कर दिया। इस मामले को लेकर विहिप जमशेदपुर इकाई ने जिले के उपायुक्त को शिकायत पत्र सौंपा, साथ ही जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। एक महीने से लगभग बागबेड़ा नया बस्ती रोड नंबर 1 के सामने जो रेलवे की जमीन है वहां पे ईसाई समुदाय के कुछ लोग प्लॉटिंग करके उसको बेचने के चक्कर में, जो भारत सरकार की जमीन है, जब उनका ये मनसा पूरा नहीं हो सका वहां पे कुछ बागबेड़ा की महिलाएं उस सरकारी जमीन पे पुराना नीम पेड़ और पीपल का पेड़ है वहां पूजा करती हुई आ रही थी। जैसा कि हिंदू धर्म के अनुसार नीम और पीपल में दिया दिखाया जाता है, परंतु जब उसको नहीं बेच सके, उन महिलाओं ने उसका विरोध किया, तो प्रशासन के साथ में मिलके, पता नहीं बागबेड़ा थाना प्रभारी की क्या मजबूरी रही कि जब जो लोग आवेदन देने गए कि यहाँ पे सरकारी जमीन का छिकाव हो रहा है एक विशेष समुदाय के द्वारा, तो जिन्होंने ज्ञापन दिया, एक आवेदन दिया कि उसे रोका जाए, उन्हीं लोगों पे बागबेड़ा थाना प्रभारी ने केस कर दिया है। इसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद किसी साहबा के पास आई है कि इस पे विशेष ध्यान दिया जाए। जमशेदपुर में खाने के साथ साथ लाइव म्यूजिक का मजा लेने वालों के लिए एक नया रेस्तरां की शुरुआत बिष्टुपुर में हुई है, जहां रेसिपी नाम से इसकी शुरुआत की गई है। इस रेस्तरां में इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, अफगानी जैसे तमाम डिशेस के अलावे यहां बंगाली खाने का जायका लोगों को मिलेगा। वैसे यहाँ 50 सीटर रेस्तरां के साथ प्राइवेट लॉन्ज भी तैयार किया गया है, जहां प्राइवेट पार्टी, बिजनेस मीटिंग जैसी चीजें पूरी हो पाएंगी। बुधवार को इसका विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। इस मौके पर ओपनिंग डिस्काउंट दिया जाएगा जो पूरे अप्रैल तथा मई माह तक लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। इस रेस्टोरेंट पे आपको इंडियन, चाइनीज, तंदूर के अलावा बंगाली क्विजिन, बंगाली प्रणाली से बनाए गए खाने का पूरा रेंज उपलब्ध है।
आज के स्ट्रेसफुल ज़िंदगी में संगीत का एक बहुत बड़ा रोल है। हमारे यहाँ प्रतिदिन लाइव बैंड की व्यवस्था है, जिससे आप खाना और संगीत दोनों का ही आनंद ले सकते हैं। छोटा मोटा कोई भी पार्टी या प्राइवेट पार्टी यदि आपको करना हो तो एक फैमिली लाउंज की भी अलग से व्यवस्था की गई है, जिसमें अपने परिवार के साथ गोपनीयता को बरकरार रखते हुए आप छोटा मोटा पार्टी बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। गुणवत्ता हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मिसाल है कि आपको जो भी मिलेगा फ्रेश मिलेगा। बोलने को सब लोग बोलते हैं पर यहाँ हकीकत यही है। लोग अभी इसमें दो महीने के लिए यानी ये महीना और मई के महीने में कोई भी कस्टमर यदि हमारे यहाँ आते हैं तो उन्हें 10-15% का ये ओपनिंग डिस्काउंट एक हम लोग उपलब्ध कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।